So students, let's start chapter number one, our country, India. First of all, you tell me, in which country do you live? India. India, na? Yes. We live in India. तो अपन आज हम लोग आज इस चैप्टर में अपनी कंट्री इंडिया के बारे में देखने वाले हैं. ओके, तो लिसन केयरफुली. ओके, इंडिया लाइज इन द साउदर्न एशिया. इंडिया मीन्स भारत और कंट्री. इंडिया जो है ये दक्षिण एशिया में फैला हुआ है, दक्षिण एशिया में बसा है. इट इज सेवेंथ लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. और अपना जो इंडिया है ये इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, सेवन नंबर की सबसे बड़ी कंट्री एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. और सेकेंड नंबर की, दुनिया में सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है अपना इंडिया. चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स एंड बांग्लादेश आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स एंड बांग्लादेश ये अपने देश के, अपने इंडिया कंट्रीज के पड़ोसी देश है. हाउ मेनी कंट्रीज आवर नेबरिंग कंट्रीज? सो यू काउंट इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ, चाइना, पाकिस्तान 1, 2, 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, श्रीलंका 7, मालदीव 8 एंड बांग्लादेश 9. नाइन कंट्रीज आर अवर नेबरिंग कंट्री, मीन्स अवर नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया. और अपने इंडिया का ऑफिशियल नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया. व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया? रिपब्लिक ऑफ इंडिया. गेट इट? ओके. इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स. इंडिया अपना भारत, अपने भारत को पानी से तीन भागों में, वाटर बॉडीज तीन भागों में सराउंड किया गया है. नेमली उनके नाम है द अरेबियन सी अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट. अरेबियन सी जो है वो वेस्टर्न कोस्ट में है. कोस्ट मीन्स किनारा, समंदर किनारा. वेस्टर्न कोस्ट मीन्स पश्चिम कोस्ट पे है. द बे ऑफ बंगाल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी कहते हैं, वो ईस्टर्न कोस्ट में है. एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ. और इंडियन ओशन मीन्स हिंदी महासागर, वो साउथ में है. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी. और नॉर्थ में, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ. नॉर्थ से, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी, साउथ में कन्याकुमारी तक अबाउट 3,214 किलोमीटर इनका डिस्टेंस है. और इतना फैला हुआ है अपने अपना इंडिया. जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर उनका क्या है, डिस्टेंस है. एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट अबाउट 2,933 किलोमीटर. और वेस्ट में गुजरात से लेके तो ईस्ट तक, अरुणाचल ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक 2,933 किलोमीटर में फैला हुआ है. तो इस प्रकार ये अपने इंडिया के बारे में है. नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, नॉलेज किट देखिए. नॉलेज किट में दिया गया है इंडिया इज अ पेनिनजुला. इंडिया इज अ पेनिनजुला. पेनिनजुला का मीनिंग होता है उपद्वीप या फिर प्रायद्वीप. तो मैंने मीनिंग्स वर्ड्स आपको प्रोवाइड करूंगी, वहां से आप लर्न कर लोगे. अभी मैं फिलहाल बता रही हूँ. इंडिया इज अ पेनिनजुला. इंडिया एक पेनिनजुला है, प्रायद्वीप है, उपद्वीप है. पेनिनजुला इज अ लैंड फॉर्म सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स. और पेनिनजुला किसे कहते हैं, जहां थ्री साइड्स यानी तीनों बाजू से पानी से घिरा हुआ रहता है, उसे पेनिनजुला कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है. अब इवैल्यूएट योर सेल्फ. इट इज फॉर, इट इज योर सेल्फ. ओके, सो यू सॉल्व दिस एवेल्युएशन. ओके, तो यहां क्या दिया है, द कंट्री दैट लाइज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया इज यू यू शुड सी इन इंडियाज मैप एंड फाइंड आउट करेक्ट आंसर and tick in proper box. Okay. Next, physical divisions of India.
फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया मीन्स भारत के भौतिक विभाग. फिजिकल मीन्स भौतिक, डिविजन्स मीन्स विभाग, भारत के भौतिक विभाग. डिपेंडिंग अपॉन द वेरिड लैंड फीचर्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू सिक्स मेन फिजिकल डिविजन्स. तो ये जो फिजिकल डिविजन्स है, भौतिक जो विभाग है भारत के, इंडिया के, ये काय पे डिपेंड है, कैसे मतलब डिवाइड हुए है, सिक्स फिजिकल डिविजन कैसे डिवाइड हुए है. डिपेंडिंग अपॉन द वेरिड लैंड फीचर्स, अरे कैसे, जैसे इंडिया की जो भूमि है, लैंड है, तो उसकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं है, फीचर्स है, वैशिष्ट है, उस पे डिपेंडिंग इंडिया के जो ये फिजिकल डिविजन्स है ये डिवाइड किए गए है. और कितने पार्ट में डिवाइड किए गए है, सिक्स डिविजन में. फर्स्ट द नॉर्दर्न माउंटेन्स मीन्स उत्तरी पर्वत, सेकेंड द नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी मैदान, थर्ड द वेस्टर्न डेजर्ट पश्चिमी रेगिस्तान, द साउदर्न प्लेटो मीन्स दक्षिण पठार, नेक्स्ट द कोस्टल प्लेस मीन्स समुद्री मैदान, एंड देन लास्ट सिक्स नंबर द आइलैंड. आइलैंड मीन्स द्वीप या फिर बेट. यू डोंट प्रोनाउंस आइलैंड, ओके, आई एस एल ए एंड एस, दैट इज आइलैंड्स, दैट इज आइलैंड्स, यू प्रोनाउंस आइलैंड, ओके. नॉलेज किट, अब नॉलेज किट में क्या दिया हुआ है, द ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के मिडल से क्या हुआ है, गुजरा हुआ है. नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के राजनैतिक या फिर राष्ट्रीय विभाग. देखते हैं कौन से है, क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है. In order to establish a better administration, India has been divided into 29 states and 7 union territories. तो ये जो states और union union territories है, ये क्यों मतलब establish किए जाते हैं? In order to establish a better administration, अच्छा administration, अच्छा प्रशासन, अच्छे प्रशासन के लिए ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एस्टेब्लिश किए जाते हैं, डिवाइड किए हुए हैं. और इंडिया में यहाँ बुक्स में दिया गया है 29 स्टेट्स, अभी तक तो 29 स्टेट्स थे, 7 यूनियन टेरिटरीज थी, बट मैं यहाँ बता रही हूँ आपको 29 को सर्कल करना है और वहां 28 लिखना है और 7 को सर्कल करके वहां 8 लिखना है. क्यों? क्योंकि अभी जो अगस्त 5th or 6th August 2020 को 370 धारा बोलते थे ना मोदी ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र जी मोदी ने क्या क्या था, 370 आर्टिकल के जरिए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इनको यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स में एडवर्ट किया था. सो यहाँ 29 की जगह आप 28 लिखिए, 28 स्टेट्स, एंड द 7 की जगह आप 8 लिखिए, 8 यूनियन टेरिटरीज. अमंग दीज राजस्थान इज द लार्जेस्ट, इनमें से राजस्थान इज द लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा, एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज. तो इन स्टेट्स में से राजस्थान जो है, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट एंड गोवा सबसे छोटा मीन स्मॉलेस्ट स्टेट है, वो भी ऐसे पॉपुलेशन वाइज नहीं, एरिया वाइज, यानी इनका विस्तार एरिया. दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, दिल्ली जो है वो इंडिया की नेशनल कैपिटल टेरिटरी है. एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज हैविंग एन इंपॉर्टेंट सिटी और टाउन एज इट्स कैपिटल. तो सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की उनकी खुद की इंपॉर्टेंट सिटी या फिर उनकी खुद की कैपिटल होती है, राजधानी होती है. Following are the 28 states. यहाँ दिया है 29, but you should circle 29 and write down 28 instead of 29. Okay? And instead of 7, you should write 8 Union Territories of India. Column में
कॉलम दिया गया है, फर्स्ट कॉलम में स्टेट है, सेकंड कॉलम में कैपिटल है उनकी। तो यहाँ देखो, फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद। सेकेंड अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। थर्ड आसाम, एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आसाम? दिसपुर। एंड बिहार, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार? पटना। सो ये इस प्रकार से आप ये कॉल। फाइव नंबर छत्तीसगढ़, सिक्स नंबर गोवा, सेवन नंबर गुजरात एंड कैपिटल इज गांधीनगर। एट नंबर हरियाणा, कैपिटल इज चंडीगढ़। नाइन नंबर हिमाचल प्रदेश एंड कैपिटल इज शिमला। टेन नंबर, यहाँ देखो 10 नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर दिया हुआ है स्टेट में, बट अभी वो यूनियन टेरिटरी हो गया, तो जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो 10 नंबर पे कौन सा आएगा? झारखंड। झारखंड कैपिटल ऑफ रांची। कर्नाटका कैपिटल ऑफ बेंगलुरु। केरला कैपिटल ऑफ तिरुवनंतपुरम। 14 नंबर मध्य प्रदेश कैपिटल ऑफ भोपाल। एंड 15 नंबर, नो 13, क्योंकि यहाँ 10 एक जो स्टेट है वो रिमूव हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ कौन सा, महाराष्ट्र का कौन सा नंबर आएगा? 14 नंबर। महाराष्ट्र कैपिटल ऑफ मुंबई। मणिपुर कैपिटल ऑफ इम्फाल। मेघालय शिलोंग। नागालैंड कोहिमा। पंजाब चंडीगढ़। सिक्किम गंगटोक। तेलंगाना हैदराबाद। उत्तर प्रदेश लखनऊ। वेस्ट बंगाल कोलकाता। मिजोरम ऐजवाल। उड़ीसा भुवनेश्वर। राजस्थान जयपुर। तमिलनाडु चेन्नई। त्रिपुरा अगरतला। उत्तराखंड देहरादून। सो आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आई होप यू गेट टू करेक्ट आंसर टू मी। ओके, क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इन प्रेजेंट? ऑफ कोर्स 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन प्रेजेंट। यूनियन टेरिटरी कैपिटल, अभी यहां देखिए नीचे के जो नीचे दिया गया है कॉलम, वहां है यूनियन टेरिटरीज दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल दी गई है। यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। सेकेंड नंबर चंडीगढ़, कैपिटल इज चंडीगढ़। थर्ड नंबर दादर एंड नगर हवेली। तो यहाँ जो इस कॉलम में, कैपिटल की कॉलम में सिल्वा सा दिया है, और थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पे दमन एंड दीव दिया है, लेकिन अभी जो अभी मैंने जो बताई पहले कि आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 370 के धारा के तहत यहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, इसीलिए इसमें क्या है, दादर एंड नगर हवेली इसमें ही क्या हो गया है, वो कंबाइन हो गया है दमन एंड दीव। तो इनकी कैपिटल ओनली क्या रहेगी? दमन है। अब यहाँ लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, कैपिटल इज दिल्ली। पुडुचेरी, पुडुचेरी। जम्मू एंड कश्मीर, अब देखिए यूनियन टेरिटरीज में 7 नंबर आ गया जम्मू एंड कश्मीर, और ये जम्मू कश्मीर कहाँ नाम था, कौन से मतलब स्टेट में था जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी 370 के तहत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में आ गया। तो यहाँ 7 नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर और उनकी कैपिटल श्रीनगर एंड जम्मू। तो श्रीनगर जो है वो समर के लिए कैपिटल है और जम्मू जो है वो विंटर सीजन के लिए है, ठीक है। एंड 8 नंबर यूनियन, 8 नंबर के यूनियन टेरिटरीज का नाम है लद्दाख, एंड इट्स कैपिटल इज लेह। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया का चार्ट। तो ये आप अच्छे से लर्न करना है, इनकी जो कैपिटल है स्टेट्स की कैपिटल है, यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल है, वो अच्छे से लर्न करना है और अपने माइंड में फिट करके रखना है, क्योंकि जो आप क्या जीके की एग्जाम वगैरह देते हो ना आगे के लिए भी, उसके लिए भी आपको फायदेमंद है ना।